अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना, ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊँ तो तुम्हारे फोन की भी। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती की लेटेस्ट अपडेट्स क्या और टुडे ब्रेकिंग न्यूज। जी हाँ दोस्तों, आज की बड़ी खबरें पर, जो भी बड़ी खबरें दोस्तों उस पर हम लोग नजर डालने वाले हैं, ठीक है। सबसे पहले दोस्तों हम बात करेंगे जो शिक्षक भर्ती में गड़बड़ी करने वाले महकमा मौन, यह खामियां आई सामने। 8 साल में 2.25 लाख भर्तियों की जांच का शासनादेश जारी, लेकिन अधिकारी जितने भी हैं सब मौन हैं, ठीक है दोस्तों। इस पर पूरा डिस्कस करेंगे क्या क्या बात है। 68,500 शिक्षक भर्ती 59 प्रकरणों में अपील में जाने की तैयारी। जी हाँ दोस्तों, और 68,500 शिक्षक भर्ती में 9 अभ्यर्थी पाएंगे नियुक्ति। हाईकोर्ट के आदेश पर हुआ था पुनर्मूल्यांकन, नियुक्ति के लिए शासन की अनुमति का इंतजार। और बीएड कर बेरोजगार नहीं घूमेंगे अब युवा, नई शिक्षा नीति में बीएड करने वाले को अनिवार्य रूप से नौकरी देने की गई है सिफारिश। जी हाँ दोस्तों, चलिए अच्छी बात है कि अगर आप आज बीएड करेंगे तो कम से कम आपको कोई ना कोई नौकरी तो मिल ही जाएगी, ऐसा नई शिक्षा नीति में सिफारिश की गई है, तो कुछ तो अच्छा हो रहा है। और दोस्तों अगर अफसर 9 बजे दफ्तर ना पहुंचे तो वेतन कटेगा, सीएम योगी। जी हाँ दोस्तों, सरकार का बड़ा ऐलान, टाइम से अगर आप लोग नहीं जाएंगे तो पैसा कटने के लिए हो जाइए तैयार। और उसके बाद दोस्तों बात करेंगे सबसे पहले और सबसे बड़ी खबर पर कि बीएड कर बेरोजगार नहीं घूमेगा अब युवा, क्या है पूरी खबर आइए देखते हैं। नई शिक्षा नीति पर अमल हुआ तो आने वाले दिनों में बीएड करने के बाद लोग यह बेरोजगार नहीं घूमेंगे। फिलहाल यह नीति सरकार के पास विचाराधीन है, जिसे लेकर देश भर में सुझाव मांगे गए हैं। इसके तहत बीएड करने वाले छात्रों को अनिवार्य रूप से नौकरी देने की सिफारिश की गई है। इसके साथ ही बीएड में दाखिला लेने वाले छात्रों को मेरिट के आधार पर छात्रवृत्ति देने की बात भी कही गई है। नई प्रस्तावित शिक्षा नीति में शिक्षक के पेशे में अच्छी प्रतिभाओं के न आने को लेकर भी चिंता जताई गई है। साथ ही कहा गया है कि यह तभी संभव होगा जब शिक्षक के पेशे का सम्मान बढ़ेगा। जी हाँ दोस्तों, रिस्पेक्ट, इसके लिए जरूरी है कि उन्हें पढ़ाई के समय से ही अच्छी सुविधाएं, छात्रवृत्ति और पढ़ाई खत्म करने के बाद अनिवार्य रूप से नौकरी दे दी जाए। खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसी पहल की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। मसौदे में बीएड के 4 वर्षीय कोर्स पर तेजी लाने का प्रस्ताव है। मसौदे में शिक्षक तैयार करने वाले देश के 17,000 संस्थाओं पर भी सवाल खड़े किए गए हैं और साथ ही इनके ढांचे को मजबूत बनाने की भी सिफारिश की जाएगी दोस्तों। और पढ़ाई के अलावा सभी कामों से किया जाएगा अलग। जी हाँ दोस्तों, नई शिक्षा नीति के मसौदे में शिक्षकों को अध्यापन के अलावा सभी गैर जरूरी कामों से अलग करने की सिफारिश की गई है। इनमें चुनावी ड्यूटी से मुक्त करने, मिड डे मील या दूसरे सर्वे आदि कामों से अलग रखने की सिफारिश की गई है। जी हाँ दोस्तों, देखिए आज के दिन कोई भी अगर टीचर बनता है ना तो उन्हें इन कामों से सच में दूर होना चाहिए, जो आप देख रहे होंगे, ड्यूटी लगना, मिड डे मील या दूसरे सर्वे। दोस्तों ये टीचर का काम नहीं होता। अगर आपने कभी सुना होगा कि प्राइवेट टीचर बहुत ही अच्छे होते हैं, तो कभी जाके देख लीजिएगा जो एक प्राइवेट टीचर काम करता है और एक सरकारी टीचर काम करता है, उसमें जमीन आसमान का फर्क होता है। तो दोस्तों जो भी सरकारी टीचर होते हैं वो प्राइवेट टीचर से 100 गुना ज़्यादा काम करते हैं, तो कभी भी हम इनके मेहनत को नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं दोस्तों, क्योंकि यार मिड डे मील खिलाना ना बहुत ही बड़ी बात होती है। कभी जाके खिलाएंगे प्राइवेट के टीचर तो उन्हें भी पता चलेगा कि हाँ कितना आसान है और कितना नहीं। देखिए दोस्तों, टीचरों पर कमेंट करना काफ़ी आसान होता है, लेकिन जो इसकी रियलिटी होती है वो कुछ हटकर होती है। तो रिस्पेक्ट गवर्नमेंट टीचर। उसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे और सैल्यूट भी है दोस्तों गवर्नमेंट टीचर्स को कि वो इतनी मेहनत करते हैं और एक हर गरीब बच्चे को समय समय पर खाना खिलाते हैं, अच्छी बात है। और दोस्तों बात करेंगे शिक्षकों को समय पर अध्यापन और तकनीक से जुड़ी विशेष ट्रेनिंग देने की भी बात कही गई है। तो दोस्तों सही बात है यार कि टाइम टाइम पर जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आती है, कैसे पढ़ाना है, कैसे क्या करना है, तो उसे भी देना चाहिए। अब निजी स्कूलों में भी TET पास कर ही शिक्षक की नियुक्ति होगी। प्रस्तावित मसौदे में TET टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट को निजी स्कूलों में पढ़ाने वाले शिक्षकों के लिए भी अनिवार्य करने की सिफारिश की गई है। मौजूदा समय में यह सिर्फ सरकारी स्कूलों में पढ़ाने वाले शिक्षकों के लिए ही अनिवार्य है। अब दोस्तों बात करेंगे आप लोग के 68,500 शिक्षक भर्ती में 9 अभ्यर्थी पाएंगे नियुक्ति, क्या है मामला पूरा आइए देखते हैं। सबसे पहले दोस्तों बात करेंगे इसी में कि परिषदीय स्कूलों, ठीक है, 68,500 सहायक अध्यापक
भर्ती की लिखित परीक्षा में 9 अभ्यर्थी और उत्तीर्ण हो गए। इन अभ्यर्थियों को हाई कोर्ट में पुनर्मूल्यांकन की चुनौती दी गई थी। उनका दावा यह था दोस्तों कि प्रश्नों को सही जवाब देने के बाद भी उन्हें अंक नहीं मिले। कोर्ट के निर्देश पर परीक्षा संस्थान ने कॉपियां फिर से जिंचवाई और उसमें से 9 अभ्यर्थी सफल हो गए। तो सही बात है दोस्तों, देखिए बार बार री चेकिंग होते होते वो बच्चे पास हुए और उनकी सूची बेसिक शिक्षा परिषद मुख्यालय भेजी गई है। अब नियुक्ति के लिए शासन की अनुमति का इंतजार है। तो बेसिक शिक्षा परिषद के 68,500 शिक्षक भर्ती में 10 महीने से फेल पास का खेल जारी है। 13 अगस्त 2018 को लिखित परीक्षा के परिणाम में 41,556 अभ्यर्थी सफल हुए थे, जबकि सरकार के निर्देश पर कापियों के पुनर्मूल्यांकन में मार्च 2019 में 4,706 को चयनित किया गया। इनमें से अधिकांश को विद्यालय में नियुक्ति भी मिल चुकी है और इसी बीच हाई कोर्ट ने पुनर्मूल्यांकन को चुनौती देने के लिए करीब 40 से अधिक याचिकाएं दाखिल की गई। न्यायमूर्ति प्रकाश पाड़िया की कोर्ट ने परीक्षा संस्था को इसका संज्ञान लेने का निर्देश भी दिया। दोस्तों फिर क्या होता है, परीक्षा संस्था ने याचिका की कॉपी फिर से जचवाई तथा तो 9 अभ्यर्थी परीक्षा उत्तीर्ण कर गए। तो दोस्तों ये देखिए कितने दिन से ये मामला चल रहा है, आप लोग समझ गए होंगे। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि अगर अफसर 9 बजे नहीं पहुंचते तो भाई पैसा कटने के लिए तैयार हो जाए, वेतन कटेगा, सीएम योगी जी। हाँ दोस्तों, सरकार का ये एक बड़ा ऐलान है कि अब भाई सरकारी टीचर हैं, सरकारी कोई भी कर्मचारी आप लोग कुछ भी करते हैं सरकारी, तो आपको भाई सरकार के हिसाब से चलना पड़ेगा, अन्यथा नौकरी छोड़ दीजिए। तो क्या है मामला पूरा, आइए देखते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के सभी अफसरों को सवेरे 9 बजे तक हर हाल में कार्यालय पहुंचने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने सख्त निर्देश देते हुए कहा कि सभी अफसर तत्काल प्रभाव से इसका पालन करें, ऐसा नहीं होने पर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, उनका वेतन भी काटा जा सकता है। मुख्यमंत्री ने इस निर्देशों की जानकारी मुख्यमंत्री कार्यालय के अधिकृत ट्विटर अकाउंट पर ट्वीट करके दी गई है। लोकसभा चुनाव के बाद मुख्यमंत्री काफी सख्त तेवर दिखा रहे हैं, वे दागी अधिकारियों कर्मचारियों की छटनी के लिए पहले निर्देश दे चुके हैं। तो देख लीजिए दोस्तों, जो भी दागी अधिकारी होंगे तुरंत उनको छांट दिया जाए, हटा दिया जाए। हाल में उन्होंने पुलिस कर्मियों के प्रति भी कड़ाई दिखाई। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट निर्देश दिए कि दागी पुलिस कर्मियों को जबरिया से रिटायर किया जाना चाहिए। सीएम सख्त तेवर देकर पुलिस महकमे के साथ ही शासन के कामकाज मुख्यालय सचिवालय में भी चिन्हित कर लिया गया। तो दोस्तों देख सकते हैं आप लोग कि सरकार का जो तेवर है काफी सख्त है, तो मतलब वो किसी भी प्रकार का ढील बर्दाश्त नहीं करने वाली। दोस्तों कहने का मतलब दोस्तों, सरकारी में नौकरी करना है, सरकारी कर्मचारी बने रहना है, तो टाइम टू टाइम आना जाना पड़ेगा, नहीं तो नौकरी छोड़नी पड़ेगी, ये तो बात पक्की है। अब दोस्तों ये छोटी सी एक और खबर, 59 प्रकरणों में अपील में जाने की तैयारी। तो क्या दोस्तों, शिक्षक भर्ती के पुनर्मूल्यांकन को चुनौती देने वाली याचिकाओं की इधर बाढ़ आ गई थी। उनमें से हाई कोर्ट ने 59 अन्य याचिकाओं पर अभ्यर्थियों के पक्ष में निर्णय दिया है। इसमें परीक्षा संस्थान व विशेषज्ञों की दलीलें भी नहीं सुनी गई। इन प्रकरणों को शासन को भेजा गया, वहां से अपील यानी आदेश को बड़ी बेंच में जाने का निर्देश हुआ है। तो कितनी अपडेट्स आपने दोस्तों आज देख ली, काफी चीजें कि क्या क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। तो दोस्तों देखिए कि दोस्त कुछ आज जो हमने पढ़ा है आज की बड़ी खबरों में, तो देखा दोस्तों कुछ चीज़ें अच्छी हुई, जैसे बीएड में कि अगर आप आने वाले टाइम में भाई बीएड करते हैं तो आपको नौकरी की थोड़ी गारंटी होगी, कोई ना कोई नौकरी दोस्तों आपको दी जाएगी। देखिए अब प्राइवेट स्कूल में जब टीटी को कंपलसरी किया जाएगा ना, उससे फ़ायदा आप लोगों को ये होगा कि बिना टेट के अगर जो आपका गवर्नमेंट स्कूल होंगे दोस्तों उसमें तो आपको नौकरी टेट से मिलती है, तो वैसे दोस्तों जब प्राइवेट स्कूल में अगर आप लोग बिना टेट के, काफ़ी टीचर्स होंगे आज की डेट में, या तो उन्हें फिर निकाल दिया जाएगा। देखिए दोस्तों ज़्यादा समय नहीं बचा, जुलाई मतलब इस बार तो सारे टीचर बच जाएंगे, लेकिन दोस्तों उनके पास अगला एक मौका होगा यूपी टेट का। अब काफ़ी टीचर्स तो प्राइवेट वाले अब सी टेट का फॉर्म तो भरे नहीं होंगे जो 7 जुलाई को होने वाला है, लेकिन दोस्तों जब जुलाई 2019 अभी दोस्तों बस कुछ ही दिन बाद, अगर आप जैसे नई शिक्षा नीति आ जाती है उसके बाद देखिए काफ़ी बदलाव के लिए दोस्तों सभी को तैयार रहने की ज़रूरत है कि बड़े बदलाव आपको देखने को भी मिल सकते हैं कि अब जुलाई 2019 से। तो जो भी अपडेट्स आएंगे दोस्तों वो अपडेट्स आपको समय समय पर दी जाएंगी, और आप लोग का आज से बीटीसी का जो एडमिशन है दोस्तों वो भी शुरू होने वाला है, तो आप लोग दोस्तों तैयार रहिएगा। अगर आपको बीटीसी में एडमिशन चाहिए तो आज ही उसका आवेदन रजिस्ट्रेशन करना शुरू कर देना है दोस्तों। जितनी जल्दी आप लोग रजिस्ट्रेशन करेंगे उतना ही आपका फायदा मिलेगा दोस्तों इसमें, क्योंकि दोस्तों जितना आप लेट करेंगे दोस्तों उतनी जल्दी आपकी साइट डाउन हो जाएगी, तो मतलब आपको
जितना जल्दी कर लेंगे उतना ही फायदा रहेगा। कहने का मतलब ये है दोस्तों, आप और आप लोग तुरंत एडमिशन की प्रक्रिया जल्द से जल्द शुरू कर दीजिएगा, जिससे कि आप लोग को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों फायदा मिल सके। ठीक है, तो और भी अपडेट्स के लिए आप लोग हमारे साथ बने रहिए। जैसे 69,000 शिक्षक भर्ती की लेटेस्ट अपडेट्स आती है वो आपको दे दी जाएगी। देखिए दोस्तों, अभी फिलहाल अगर आप लोग इस वीडियो में आए तो 40-45 और 60-65 को लेकर अगर बात की जाए तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, सरकार ने जैसे हर जगह अपना कड़ा रुख दिखाती है, तो जैसे सरकार ने कहा है कि वो योग्यता से समझौता नहीं करने वाली आने वाले टाइम में, तो ये भी बात देखने वाली होगी कि जो भाई सरकार कहती है वो करती है। तो उम्मीद करेंगे दोस्तों कि जो बच्चे 60 और 65 को लेकर उम्मीदें लगा कर बैठे हैं तो उनकी भी जीत हो सकती है। बात आती है 40-45 सालों का क्या होगा, तो देखिए दोस्तों कि अब भाई मामला कोर्ट में चल रहा है, अब सरकार जो चाहेगी वही होगा, ये तो सबको पता है। तो देखते हैं दोस्तों क्या चाहती है सरकार दोस्तों, और ये बात बिल्कुल सच है, जो भी सरकार चाहेगी वही होगा। अगर मामला भले 40-45 जीतता है पक्ष, तो आप लोग समझ लीजिएगा कि सरकार 40-45 चाहती थी। अगर 60-65 जीतेगा तो समझ लीजिएगा सरकार 60-65 चाहती है, क्योंकि सरकार से बढ़कर कुछ नहीं है। ठीक है, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक स्टे कनेक्टेड और हैव अ नाइस डे।